समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, भक्ति भई माताएं एवं सम्माननीय भक्तगण, मेरे लिए भी पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा आज्ञा हुई है स्व आज्ञा पालनार्थ कुछ देर के लिए निवेदन प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर का एक पद है, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याद, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाद। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, साधु अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की, और उनके साथ संगत करेंगे तो क्या होगा। संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध। वो संत जो है, सज्जन जो है, हमारे दुख को, पीड़ा को दूर करेंगे, और ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाद। अगर हम गलत लोगों की संगत करते हैं, संगति करते हैं, तो दुख ही दुख मिलेगा, पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी। सफलता एवं उच्चता के अनेक कारक तत्व हैं, उनमें से प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व है संसर्ग, संगत, संगति। दुनिया में 25% से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें अच्छी संगत नहीं मिल पाई, और यदि व्यक्ति को अच्छी संगत मिल जाती है तो वह ऊपर उड़ जाता है, और गलत संगत में पड़ जाता है तो उनका जीवन पतन के गर्त में चला जाता है। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, वह समाज का अभिन्न अंग है। एक एक व्यक्ति को लेकर समाज का निर्माण होता है, जैसे व्यक्ति होगा वैसे समाज। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, सुधरे समाज राष्ट्र व्यक्ति से, सुधरे समाज राष्ट्र व्यक्ति से, इसका असर विश्व पर हो, जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृति घर घर हो, ऐसी जागृति घर घर हो। जन्म के कुछ ही समय पश्चात बच्चा जो है बहुत कुछ समझने लगता है, और वह जैसे जैसे समझते जाता है वैसे वैसे संग साथ करने लगता है। उनके जीवन की दिशा सही सोच और स्वस्थ समझदारी पर निर्भर करती है। यदि वह अच्छी संगत करता है तो उनका जीवन सुंदर बन जाता है, और यदि वह गलत पथ पर गलत दिशा में चला गया तो उनका जीवन खराब हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आदमी गलत कर्म कर लिया, गलत दिशा में चला गया तो अब नहीं सुधर सकता, ऐसी बात नहीं है। आदमी बदलता है, सुधरता है, वह बदल सकता है, अपने जीवन को सुधार सकता है, सुंदर बना सकता है, बस उसको ठीक प्रेरक मिल जाए। हम इतिहास में कई लोगों का उदाहरण सुने हैं कि दुर्दांत डाकू उंगली मार कैसे सुधर गए, जब उनको महात्मा बुद्ध जैसे कारुणिक और दयालु हृदय का भाव मिला, उनकी संगत मिली तो सुधर गए, अपने जीवन को सुंदर बना लिए। तो इसलिए संत सुधारक, संत गुरुजन कहते हैं कि अपना रास्ता ठीक चुन लो, सत्संग से जुड़ जाओ, ताकि तुम्हें अच्छे और बुरे का, हानि और लाभ किसमें है, पाप और पुण्य क्या है, किसमें बंधन है किसमें मोक्ष है, ये सब की जानकारी तुम्हें सत्संग के माध्यम से हो जाएगी। सत्संग के बिना हम क्या गलत है क्या सही है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये हम नहीं जान पाते।
सत्संग के माध्यम से ही हमें ये सब चीज की जानकारी होती है। हमारे माता पिता के प्रति, हमारे गुरुजन के प्रति, संत महापुरुषों के संतजनों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब की जानकारी सत्संग के माध्यम से ही होती है। सत्संग और सद्विचारों के बिना जीवन कैसे जिया जाए यह हम जान ही नहीं पाते और पूरा जीवन दुखों की आग में जलते जलते कट जाता है। एक बात और होती है कि सत्संग में आने के लिए व्यक्ति को बुलाना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, लेकिन कुसंग में जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, व्यक्ति बस चला जाता है। अभी हमारे बाबू गुरु भाई कितना प्रचार किए, रैली भी निकाले, लोग आए, बैठे, सुने, समझे। तो कहने का मतलब है कि सत्संग के लिए प्रचार करते हैं लेकिन कुसंग में जाने के लिए नहीं करते। इसी प्रकार से सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है लेकिन पतन के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं, व्यक्ति बस चल पड़ता है। इसी प्रकार से ऊंचाइयों पर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो सत्संग के बिना हम यह नहीं जान पाते कि हमें जीवन कैसे जीना है और अच्छे काम के लिए, शुभ कर्म के लिए व्यक्ति जो है सोच में पड़ जाता है, विचारते ही रह जाता है। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था, बड़ा दार्शनिक और विचारक गधा था। वैसे सभी विचारक गधे होते हैं क्योंकि जीवन भर विचार ही करते रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं। तो वो गधा जो था, उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ एक शैतान प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उनके दोनों तरफ हरी हरी घास रख दी। तो जो गधा जो है सोच में पड़ गया कि मैं दाएं तरफ की घास खाऊं कि बाएं तरफ की घास खाऊं। फिर उनके मन ने कहा कि मुझे दाएं तरफ की घास खानी चाहिए। फिर उनका मन सोचने लग जाता है कि बाएं तरफ की घास में क्या कमी है, क्या खराबी है। इस प्रकार से वह सोच रहा है और एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, घास पड़ी है और गधा खड़ा है, बस विचार रहा है कि दाएं तरफ की घास खाऊं कि बाएं तरफ की घास खाऊं। इस प्रकार से तीन दिन बीत गए और गधा जो है खड़ा रहा, सोच में सोच ही करता रह गया। और चौथे दिन उनको कमजोरी के कारण वो गिर पड़ा और मर गया। यही किस्सा हमारे जीवन की है, हमारे ऊपर घटित होती है। हम अच्छे कार्य को करने के लिए, शुभ कर्म को करने के लिए, पुण्य के कर्म को करने के लिए, धर्म के कार्य को करने के लिए सिर्फ विचारते रह जाते हैं, करते धरते कुछ नहीं। और कहते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन हमारे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो हम लोग जो पुण्य कर्म है, धर्म के कार्य है, उसको कल पर टालते जाते हैं लेकिन हमें उसे आज ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आनंद और उल्लास और सुंदर जीवन जीने का एक सूत्र है, जो हम अपने लिए चाहते हैं वह दूसरों के लिए भी चाहें। हम अपने लिए क्या चाहते हैं, अच्छा, शुभ, फूल, अमृत। तो हम जो अपने लिए चाहते हैं वह दूसरों के लिए चाहें, लेकिन हम लोग स्वार्थी बने हुए हैं। अपने लिए तो हम लोग अच्छा चाहते हैं, अपने लिए शुभ और दूसरे के लिए अशुभ, अपने लिए लाभ दूसरों के लिए हानि, अपने लिए अमृत चाहते हैं और दूसरों के लिए जहर चाहते हैं, अपने लिए फूल और दूसरों के लिए कांटे। लेकिन इस सूत्र में बताते हैं कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी चाहें। हम अपने लिए प्रेम चाहते हैं, अपने लिए सम्मान चाहते हैं,
अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा चाहे। जब हम दूसरों के लिए अच्छा चाहेंगे तो हमारे लिए अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, कांटा चाहते हैं, उनके जीवन में खुद उनको कांटा चुभता है। जो दूसरों के लिए जहर चाहते हैं उनका जीवन, जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं वो खुद जाल में फंस जाते हैं। तो सत्संग और सद्विचारों के बिना हमें कैसे जीवन जीना है, यह हम संत गुरुजनों के माध्यम से ही जानते हैं। आज व्यक्ति जो है आपसी फूट कलह राग द्वेष के कारण कितना दुखी है, और जो स्वयं दुखी होगा वह दूसरों को भला कैसे सुख दे सकता है। एक हंसने वाला व्यक्ति ही दूसरों को हंसा सकता है, रोने वाला व्यक्ति कभी दूसरे को नहीं हंसा सकता। यदि भौतिक चीजों के लिए तो मेरे पास जो चीज नहीं है उसको मैं खरीद करके ला करके दे सकता हूँ। मैं अगर रोटी नहीं खाई हूँ लेकिन फिर भी मैं रोटी बना करके आप सभी को किसी को भी खिला सकते हैं। लेकिन खुशी प्रसन्नता यदि मैं स्वयं खुश नहीं हूँ, मैं स्वयं प्रसन्न नहीं हूँ, तो दूसरों को हम खुशी और प्रसन्नता नहीं दे सकते। इसलिए हमें स्वयं अच्छा बनना है और दूसरों को भी अच्छा अच्छाई देना है। आज व्यक्ति जो है दूसरे की उन्नति को देखकर खुशी नहीं मनाता है, वह जलता है, दूसरे की प्रगति को देखकर परेशान होता है। लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे लाख मुसीबत आए, लाख कठिनाई आए, हमें अपने मंजिल पर पहुंचना ही है, पाना ही है। किसी विचारक ने बहुत सुंदर कहा है कि लाख मुसीबत क्यों ना आए लेकिन हमें अपने मंजिल से नहीं हटना है, अपने मंजिल पर डटे रहना है। इसलिए कहा है कि मुसीबत से भाग जाना आसान होता है, मुसीबत से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर एक पल इम्तिहान होता है, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, संघर्ष करने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हमारे हम अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, तो चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, हमें वहां से हटना नहीं है जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यदि हम तन मन धन की शक्ति से शक्तिशाली हैं तो दूसरे को पीड़ित ना करें, दुख ना दे। हम तन मन धन से शक्तिशाली हैं तो उससे हम सेवा करें, तन से मन से और धन से। कहते हैं कि जंगल में आग लग गई थी, पूरा जंगल बहुत भयंकर जल रहा था और गांव बस्ती के जो लोग थे उस जंगल के आग को बुझाने के लिए लगे हुए थे। वहीं जंगल में उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया थी, वह भी आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। वो अपने चोंच में पानी भर कर लाए और आग में डाले। इस काम को एक बंदर जो है देख रहा था, वह चिड़िया के पास गया और बोला, अरे ना समझ तू क्या कर रही है, इतनी भयंकर आग लगी है और तुम अपने चोंच में पानी ले जा कर के डाल रही हो, इसे आग बुझेगा? तो वह चिड़िया जो है बोली कि आप सच कह रहे हैं, मैं जो पानी डाल रहा हूँ उसे आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।
इसलिए कहा है कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना ना सीखो, मार सको तो मन को मारो, जीव मारना मत सीखो। तो सज्जनों और सज्जनों संतों की हम संगत करें और अपने जीवन को कैसे जीना है, किस ढंग से जीना है, इसका हम विवेक करें और सुंदर जीवन जिए, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साध्वी सुबुद्धि के विचार सुने। अब साहेब जी के विचार सुनने में 10 मिनट बाकी है, मैं बोलूं थोड़ा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। एक बार ठीक से बोलेंगे क्या आप लोग? इन दोनों बच्चों को पीछे बैठा दें, दोनों बच्चों को पीछे बैठा दो, क्योंकि वो बेचारे परेशान होते हैं। पीछे जाओ बच्चे, जाओ खेलो, अभी जाओ खेलो, अभी खेलने का वक्त है, सत्संग का वक्त नहीं है। हाँ, जो सत्संग के सुनने लायक है वे लोग तो आते नहीं हैं, और जो लोग नहीं सुन सकते हैं, एक तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं वे आते हैं, या तो बहुत बच्चे वे आते हैं। और सही कहो दोनों बदलाव संभव नहीं है। बहरहाल कुछ चर्चा करें, थोड़ी सी बातें हैं। हम यदि अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो परिवर्तन तो तब होगा जब हम ये जाने कि हम कैसा परिवर्तन चाहते हैं। ये पता ही ना हो कि हम परिवर्तन कैसा चाहते हैं तब नहीं बदलाव आएगा। और हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। नहीं पूछ लो अपने आप से अकेले बैठ करके। और होता क्या है, जनरली जो मिलता है उसको स्वीकारते चले जाते हैं। कैसे होता है, जैसे एक नदी हो और उसमें एक लकड़ी, सूखी लकड़ी, बल्ली बही चली जा रही है, तो पानी के जोर से, लहरों से, कभी इस किनारे, कभी उस किनारे, कभी मझधार में, इधर उधर धक्के खाते हुए चलती है। क्यों? उसका अपना कोई सचेतन प्रयास नहीं है। ऐसे ही हम लोगों का जीवन समय, काल और प्रारब्ध परिस्थितियों के धक्के से कभी इधर कभी उधर, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी सम्मान कभी अपमान, मतलब, और उसमें फूलना पचकना, ये सब क्या है? परिस्थितियों के आधार पर, लोगों के आधार पर, समय के आधार पर, कुछ भी ऐसा आया और उसी धक्के में हम लोग चलते चले जा रहे हैं। मतलब हमारा अपने जीवन के लिए कोई सचेतन प्रयास नहीं है कि हमें सचमुच कैसे जीना है। और जब तक ये कन्फर्मेशन न हो जाए, जब तक यह तय न हो जाए, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ये थोड़ी सी बातें मैं कह के विराम लूँ कि तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। उसी से पता चलता है, आपने जो तय किया है, आपने जो टारगेट सेट किया है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसी पर तो बदलोगे। कैसे बदलोगे? आखिर आज के जीवन को क्यों बदलना चाहेंगे आप? यदि आपको लगता है कि मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है तो बदलेंगे क्यों? कोई जरूरत नहीं बदलने की। यदि किसी आदमी को लगता है कि मैं स्वस्थ हूं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? नहीं है ना। लेकिन ये फीलिंग हो भीतर से कि मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, मेरे भीतर में जो सचमुच अंदर में जो फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं है, मतलब हर समय मैं क्लेश मुक्त अपने आप को अनुभव नहीं करता, मतलब मन में कभी न कभी पीड़ा हो जाती है, कभी कभी कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जिन विचारों को लेकर के मन परेशान हो जाता है,
किसी के कहने से या फिर कुछ परिस्थिति बदल गई और मेरे भीतर में एक उथल पुथल मचने लगता है, ये महसूस हो और फिर ये पता चले कि क्या आप इससे बाहर जाना चाहते हैं। जैसे कोई पानी में डूब रहा हो और ये पता उनको हो कि मैं बाहर जाऊं तो कुछ प्रयास भी करेगा और ऐसे नहीं चलने वाला है। तो इसी प्रकार से जब आप उसको महसूस करें तब आप उसे बाहर जाना चाहेंगे, और कहाँ जाना चाहेंगे यह भी पता होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए। सदगुरु विशाल देव ने एक पंक्ति कही है, जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात, देह भाव निज बोध बिन कैसे, देह भाव कैसे निज को भात। ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि जग दुख देखब कठिन है, ये बड़ा कठिन है। सचमुच हम उस चीज को देख सकें तो क्या होगा, हम पार जाना चाहेंगे, हम उससे अलग होना चाहेंगे। क्यों अलग नहीं होना चाहते हैं? आखिर में आपको आराम लग रहा है, हर आदमी कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता है, अनकंफर्ट जोन पसंद नहीं करता है। जहां रह रहा है उनको बड़ा कंफर्ट बढ़िया है, तकलीफ नहीं है, क्यों जाना चाहेगा। मैं यहाँ का क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आप परिवर्तन तो तब कर पाएंगे, अपने जीवन में एक्शन तब ले पाएंगे परिवर्तन के लिए, जब आपको पता हो कि कहाँ जाना हो, क्या करना हो, सचमुच चाहते क्या है जीवन में, ये चीज का पता होना चाहिए। जैसे मैं बताऊँ आपको, आपको यहाँ है हैदराबाद में और आपको ये हो जाए कि मैं यहाँ से सूरत जाना चाहता हूँ, या फिर यहाँ से मैं रायपुर जाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, ये एकदम से कन्फर्म हो गया है, अब मेरा एक्शन बदल जाएगा, चुप नहीं बैठा रहूँगा। मतलब जब जाना होगा तो क्या हो जाएगा, टिकट बनवाऊँगा, लोगों से बात करूँगा, चलने की तैयारी करूँगा, कुछ खर्चा वर्चा जुटाऊँगा, कुछ तो करूँगा, एक्शन बदल जाएगा। एक्शन कब बदला, जब आपने निर्णय लिया जाने का, और नहीं जाना है झंझट क्या करने का, सही है कि नहीं है। अच्छा, एक्शन फिर कैसे बदलता है, ट्रेन से जाना है उसका अलग एक्शन हो जाएगा, प्लेट फ्लाइट से जाना है उसका अलग एक्शन हो जाएगा अंदर। प्लेन से जाना है, अरे भैया 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। ट्रेन से जाना है, चलो 1/2 घंटे पहले पहुंचेंगे, अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। क्या सोचेगा फ्लाइट से जाने वाले, लगेज में कितना सामान रखना है, हैंड बैग कितना रखना है, ये अलग अलग हो जाएगा। ट्रेन में जाने वाले कहेंगे सब तो डाल दो इसमें, सब डाल दो नीचे, वेट ज़्यादा हो कोई चिंता नहीं है, वेट ज़्यादा हो कोई चिंता नहीं है ट्रेन में, लेकिन फ्लाइट में इससे ज़्यादा ना हो, पेनाल्टी लगेगा। एक्शन बदलता है, एक्शन बदलता है। मान लो आपको अपनी कार से जाना है, फिर बदल गया, कार में आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखना चाहेंगे, रास्ते का सामान रख, कुछ खाने पीने का सामान रखना चाहेंगे, ये सब एक्शन कैसे बदलता चला गया, जब आपने निर्णय लिया कहाँ जाना है इसके हिसाब से। मान लो अभी यहाँ गर्मी है, लेकिन एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जैसे कुल्लू मनाली है, या और भी जहाँ पर ठंड प्रदेश है, या यहीं से आप फ्लाइट से विदेश जा करके वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पर अभी कठिन ठंडी है, माइनस में चल रहा है, डिग्री कितना, टेम्परेचर कितना है, माइनस में चल रहा है, या फिर 1 या 2 है। अब आप उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, गर्म कपड़े रख लो, ब्लैंकेट रख लो, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। कब हुआ, जब आपको टारगेट सेट हो गया तब। ऐसे ही जब जीवन में यह ये मानना हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, ये हम तय कर लेंगे कि जीवन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करना है, एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना है, मतलब एक परिस्थिति से मेरी जो मानसिक स्थिति है, मेरी जो भौतिक स्थिति है, जिस परिस्थिति में हूं उस परिस्थिति से एक भिन्न परिस्थिति में जाऊं, एक भिन्न मानसिकता वाला इंसान बनूं, अशांत रहता हूं जीवन से, मैं दुखी रहता हूं, इससे मैं अलग हो करके सुख और शांतिमय वाला जोन में जाऊं। अब ऐसा जब सोच लेंगे तो यहां परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको बड़ी खुश सरल उदाहरण बताता हूं, अपने मकान के सामने आप एक गार्डन बनाना चाहते हैं फूलों का, हरियाली का,
अपने मकान के सामने एक आप गार्डन बनाना चाहते हैं सुंदर सा, क्या करेंगे फिर आप? जो भी गार्डन बनाना चाहेगा क्या करेगा, सामने जो कंकड़ पत्थर है उसको हटाएगा, शुरू कर देगा, नहीं कर देगा, हटाना शुरू कर देगा, अनावश्यक पौधे होंगे कांटे इत्यादि उसको निकालना शुरू कर देगा, उबड़ खाबड़ जमीन होगी उसको ठीक ठाक करना शुरू कर देगा, यदि जरूरत पड़े मिट्टी परिवर्तनीय है तो उसको ला करके दूसरी मिट्टी डालेगा, खाद डालेगा, पानी डालेगा, मतलब वो जमीन को व्यवस्थित करेगा, क्योंकि क्या लक्ष्य बन गया है, मुझे गार्डन लगाना है, ये बन गया। लेकिन जिनको गार्डन लगाना ही नहीं है, जमीन सामने है मुझे नहीं लगाना है गार्डन, तो क्या होगा, वो नहीं हटाएगा पत्थर, वो नहीं करेगा साफ, नहीं हटाएगा कांटे, कोई जरूरत नहीं, उसको गंदगी से वहां परहेज ही नहीं है, पड़े रहे गंदगी क्या लेता है उससे, कितना अंतर हो गया। एक गार्डन लगाने वाला समझ रहा है क्या कर रहा है, वो परिवर्तन कर रहा है, और जिसको गार्डन नहीं लगाना है वो परिवर्तन नहीं कर रहा है। ऐसे ही क्या आप और हम अपने जीवन को गार्डनिंग करना चाहते हैं, क्या जीवन में हरियाली लाना चाहते हैं, जीवन में फूल खिलाना चाहते हैं, तो क्या होगा, जैसे ये चाहेंगे एक्शन बदल जाएगा, एक्शन बदल जाएगा, इतना अंतर आएगा। लेकिन यदि कोई ठीक है ना चलने दो ना, क्या लगता है, नहीं होगा, फिर नहीं होगा बदलाव। और हम में से बहुत कम लोग हैं जो निर्णय लेते हैं, और मैं बताऊं आपको, आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं, थोड़ी सी बात बताऊं, आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जिसका क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा, मैं कैसा जीवन चाहता हूं। आप लोग अपने आप से पूछे हैं कभी, अब से पूछना, एक प्रश्न लेके जाना यहां से, अकेले में बैठना और अपने आप से क्या पूछना, मैं कैसा जीवन चाहता हूं, मैं कैसा जीवन चाहता हूं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा नहीं आ रही, मैं दूसरे ढंग से पूछ रहा हूं, थोड़ा सा तो समझ में आ जाए। कैसा मोबाइल चाहते हैं आप, कैसी गाड़ी चाहते हैं, थोड़ा समझ में आ रहा होगा? कैसा मकान चाहते हैं, कैसा जीवन साथी चाहते हैं, कुछ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब पता चल रहा होगा, समझ रहे हैं? सबका उत्तर क्या है, मन पसंद का, सही है। कैसा मोबाइल, मन पसंद का, कैसी गाड़ी, मन पसंद, कैसा मकान, मन पसंद का, कैसा जीवन साथी, मन पसंद का, जीवन कैसा चाहिए, मन पसंद का, ध्यान दो, कैसा जीवन, मन पसंद का, और ये मन पसंद का जीवन बनाना पड़ता है, ये ध्यान दो। मन पसंद की फसल चाहिए, आप अपने आंगन में, अपने गार्डन में गुलाब का फूल खिलाना चाहते हैं तो गुलाब का फूल रोपना पड़ेगा, उसकी टहनी लगा के रोपनी पड़ेगी, समझ गए? घास के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, घास तो अपने आप आएगी, सही है कि नहीं है? घास अपने आप आएगी, घास के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, मेहनत है गुलाब का फूल खिलाने में, कोई मनपसंद की फसल चाहने में। जो हम मेहनत करके पाते हैं उसे फसल कहते हैं, और जो अपने आप आता है ना उसे खरपतवार कहते हैं, वो घास फूस है और उसका कोई प्रोडक्शन नहीं है। वो आप अपने जीवन में कुछ प्रोडक्शन चाहते हैं तो प्रोडक्टिविटी बनिए, कुछ एक्शन लीजिए, ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ काम नहीं बनेगा, या समय से कुछ कर दिए, कुछ पूजा कर दिए, कुछ पाठ कर दिए, जो कुछ मंत्र जप लिए, थोड़ा सा कुछ कर लिए, थोड़ा सा ध्यान में बैठ लिए, बस। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, जो लोग आत्मा से अलग परमात्मा मानते हैं और जो लोग आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, मैंने बहुत फर्क नहीं देखा है जीवन में, ये आप ध्यान, दार्शनिक है, दार्शनिक भेद है, फर्क आना चाहिए। परमात्मा जो अलग मानते हैं उनके जीवन में फर्क आना चाहिए, उनके जीवन को देखकर पता चले कि सचमुच मैं परमात्मा के प्रति श्रद्धावान हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं, ईश्वर को मानता हूं, ये उनके जीवन से पता चले। ऐसे ही हम यदि आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, इसका मतलब है ये जो आत्मबोध है ये मुझे
देख करके पता चलना चाहिए कि सचमुच इसमें है कुछ, है कुछ आत्मा के संबंध में है बोध। क्योंकि जो आदमी ये मान बैठेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तब ये भी क्या मानेगा, सबके भीतर जो बैठा है वो भी मेरे ही समान है। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति प्रसिद्ध है, घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे। आप ध्यान दीजिए, यदि मेरे मुंह से कटु शब्द निकल रहे हैं तब वहीं पर ये बात तय हो गई, मैं नहीं मानता कि आपके भीतर भी कोई आत्मा है। मैं नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं। आपके प्रति मैं द्वेष पाल लिया, इसका मतलब है मैं नहीं मानता कि आपके प्रति आत्मा है। मेरे समान आत्मा, मेरे भीतर जो आत्मा है उसी प्रकार आपके भीतर आत्मा है, मैं नहीं मान रहा हूं। क्या बता रहा है? मेरा एक्शन बता रहा है, ये बदलाव आना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, आत्मा से अलग परमात्मा मानते हैं, कोई बात नहीं है, मानो। लेकिन क्या इस बात को लेकर के जीवन में परिवर्तन है? नहीं है। और मैं क्या कह रहा हूं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन आप जी सकते हैं। कारण बता रहा हूं, कैसे जी सकते हैं वैसा, उसके लिए पूरी व्यवस्था है, पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया इसके लिए व्यवस्था कर रही है। समझ गए ना, इसके लिए व्यवस्था कर रही है और हमारे पास पर्याप्त समय है। तीसरी बात, हमारे पास पर्याप्त योग्यता है। तीन बातें हैं, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं उसके लिए पूरी व्यवस्था है, पूरा अवसर है और पूरी योग्यता है। पूरी व्यवस्था है, इसका मतलब क्या है, आप देख लीजिए ब्रह्मांड की क्रियाकलाप को। सूर्य यहां से लाखों किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है और वहां से वो चमकता है, वहां से हमको रोशनी देता है, वहां से ऊर्जा देता है। समझ रहे हैं ना, किस लिए, कि मैं जिंदा रहूं, आप सब जिंदा रहें। यदि सूर्य ठंडा हो जाए, कल्पना करिए सूर्य ठंडा हो जाए, हम में से कोई जिंदा नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे। वो प्राण दाता है, मैं सही बताऊं ना, वो प्राण दाता है। और शायद इसीलिए सूर्य के प्रति प्रार्थना का विधान चला है, सूर्य को नमस्कार करने का विधान चला है। आज तो केवल नमस्कार रह गए, पता ही नहीं है क्या है, पता ही नहीं है। वो प्राण दाता है, वो है। फिर क्या होता है, हम यहां से छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास के साथ में हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और लेते क्या है, जहरीली गैस छोड़ते हैं, लेकिन उस जहरीली गैस को जो वनस्पति जगत है ना, उसे ग्रहण करके, उसे सोख करके हमें प्राण प्रद ऑक्सीजन प्रदान करता है। सोचिए जरा से, कितना बड़ा उपकार है उनके प्रति। वो हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है, हम जिंदा रहे। और बारिश होती है किसके लिए है, हमारे लिए है, हम सबके लिए है, पूरी पृथ्वी है, सब कुछ। मैं आपको कई बार अकेले में बैठ के जब सोचेंगे ना, तो आपके भीतर में कृतज्ञता का सैलाब उमड़ पड़ेगा, कहा कितना मैं कृतज्ञ हूं भीतर से, मैं उसके योग्य हूं। फिर भी लोगों के द्वारा, पूरी सृष्टि के द्वारा मुझे क्या मिल रही है, पूरी व्यवस्था। यहां से आप बाहर कहीं भी शहर में घूम के आ जाते हैं, कब जा पाते हैं, जब ये पता हो यदि मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ी हुई तो पुलिस खड़ी है कि नहीं, न्याय व्यवस्था है, पुलिस खड़ी है चौराहे पर, दिन भर खड़ी रहती है धूप में भी पुलिस, किस लिए, कि मैं सही ढंग से यात्रा कर सकूं। थाने में पुलिस है, किस लिए है, क्योंकि यदि कोई गड़बड़ी हो प्रजा को तो उसके लिए वो जा करके उसका निदान करे, पुलिस व्यवस्था है। कितनी बड़ी बात है, पुलिस व्यवस्था है। और हमारे देश में देश के लोग सुखपूर्वक जीवन जिए, आनंदपूर्ण जीवन जिए, इसके लिए हमारे सिपाही, हमारे फौजी भाई लोग बॉर्डर पर जा करके जहां माइनस डिग्री टेम्परेचर है वहां भी वो 24 घंटे ड्यूटी देते रहते हैं। कभी हमने सोचा उनके प्रति,
नहीं सोचा है। कितनी बड़ी व्यवस्था है, जमीन में से में से अन्न खींच खींच करके किसान लाते हैं हमारे लिए, कितनी बड़ी व्यवस्था है। आप पूरा देखो तो सही, पूरा ये बिजली आ रही है, व्यवस्था है कि नहीं, हमको सुखपूर्वक जीने के लिए पानी आ रहा है सप्लाई से, है कि नहीं। अभी बीमार पड़े हैं, अस्पताल बने हुए हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था है। किस लिए? कि आप सुखपूर्वक जीवन जिए, सही है, इसके लिए है। इसके बावजूद हम लोग नहीं जीते हैं सुखी जीवन, मैं सही बता रहा हूं, नहीं जीते हैं। एक बात याद आती है, एक पुस्तक है यहूदियों की जिसका नाम है तालमूद, उसमें एक बात आई है, उन्होंने लिखा कि परमात्मा आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं। जब आप यहां से वापस जाएंगे, लौटेंगे, तो क्या होगा? परमात्मा पूछेगा नहीं कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं। क्या पूछेगा? वो कहेगा, पूछेगा कि तुम्हें मैं सुख भोगने के लिए भेजा था, सुख भोगा क्यों नहीं? समझ रहे हैं ना, ये बात समझ रहे हैं? किसके लिए भेजा था? अच्छा बताइए, दुखी होने के लिए भेजा गया है? आप दुखी होने के लिए आए हैं? दुखी होने के लिए आए हैं? अशांत होने के लिए आए हैं? लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए हैं? बाल बच्चा पैदा करने के लिए आए हैं? मठ मकान बनाने के लिए आए हैं? ये चला प्रचार करने के लिए आए हैं? एक बात, क्या मैं जैसा जीवन जीना चाहूं वैसा जीऊं, सुखपूर्वक जीना चाहूं जीऊं, उसकी व्यवस्था है। और एक बात और बता दूं, यदि आप दुखपूर्वक भी जीवन जीना चाहते हैं उसकी भी व्यवस्था है। ये बड़ा अद्भुत है दुनिया, सही बता रहा हूं। ये संसार तटस्थ है, ये दुनिया तटस्थ है। हम लोग सुनते आए हैं कि संसार दुख रूप है, कभी भी पूछता हूं दुख रूप क्यों है बताइए मुझे? दुखालयम अशाश्वतम, अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। क्यों दुख रूप है बताइए मुझे? नहीं है दुख रूप, नहीं है दुख रूप। अब आप कहेंगे सुख रूप, नहीं है सुख रूप, समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो दुख रूप भी नहीं है और सुख रूप भी नहीं है। कभी आप गुरुदेव कबीर की यह पंक्ति, बहुत दुख 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 की खानी, इसकी व्याख्या पढ़ें। गुरुदेव जी ने क्या लिखा है, क्या लिखा है वहां पर? वो लिखते हैं अज्ञान दुख, अज्ञान ही है दुख का कारण, मोह और आसक्ति दुख का कारण है। दुनिया दुख, दुनिया का मतलब क्या है? चांद सूर्य पृथ्वी हवा मंडल, ये वनस्पति जगत, अन्य मनुष्य के अलावा जो प्राणी है हम लोग को दुख दे रहे हैं। सूर्य दुख दे रहा है, वनस्पति जगत दुख दे रहे हैं, चंद्रमा दुख दे रहा है, पृथ्वी दुख दे रही, आकाश दुख दे रहा है। क्यों हम कह रहे हैं कि दुख वाले देने वाले हैं? वो तटस्थ हैं, ना वो दुख देते हैं ना वो सुख देते हैं, हम हैं वहां से क्या लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम वहां से क्या लेते हैं। क्या आप लोग जागते हुए सुन रहे हैं कि सो करके सुन रहे हैं? आसपास जो सो रहे हैं ना उसको थोड़ा धक्का मार दो, थोड़ा धक्का लगाओ, हाँ जगाओ इन दोनों को, सामने बैठ के सो रहे हैं। प्लीज अवेयरनेस। तो जो हम चाहते हैं वो ले सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, जो चाहते हैं ले सकते हैं। इसी दुनिया में वह सारी सामग्री है जहां से आप सुख ले सकते हैं, और इसी दुनिया में वो सारी चीजें जहां से आप दुख ले सकते हैं। समझ रहे हैं ये बात? ले सकते हैं, यदि आप शराब पीना चाहें तो शराब नहीं मिलेगी, जुआ खेलना चाहेंगे जुए की जगह नहीं मिलेगी, होगी कि नहीं होगी? और भी चोरी करना चाहें और भी जो भी गलत कर्म करना चाहें उसके लिए है। लेकिन आप सत्संग करना चाहें, आत्म सुधार करना चाहें, दुर्गुणों को छोड़ना चाहें, उसकी भी पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। आप ले क्या रहे हैं? सब कुछ फैला हुआ है। मैं आपको एक ढंग से बताऊं इस चीज को। अभी जहां हम लोग बैठे हैं वहां पर रेडियो के तमाम वाइब्रेशंस हैं, FM के हैं, विविध भारती है, और क्या क्या चैनल सब आते ना रेडियो में, तमाम हैते कि नहीं है, उसके सारे यहाँ फैले हुए हैं। तमाम दूरदर्शन के, टीवी के, तमाम चैनल्स के, तमाम यहाँ वाइब्रे वो जो तरंगे हैं वो फैली हुई हैं, सही है कि नहीं है? फैले कि नहीं है? हम लोग कब उससे संपर्क करते हैं?
कब पाते हैं? जब हमारे पास एक मोबाइल हो और मोबाइल में जैसे ही हमने क्या किया, एफएम को ट्यून्ड किया, उस फ्रीक्वेंसी में आ गए और वो गीत हमको सुनने लगा, सुनाने लगा, वो गीत हम सुनने लग गए, वो विचार सुनने लग गए। इसी प्रकार से टीवी है, उसमें तमाम चैनल हैं, जो चैनल चाहते हैं आप उसमें करते हैं, वो खींचते हैं आप, वो फैले हैं, आप खींचते हैं। यदि आप उसमें मारकाट वाला दृश्य देखना चाहें है, यदि आप उसमें सत्संग सुनना चाहें है, उसमें लड़ाई झगड़ा दृश्य वो चीज है, वो सारी चीजें आप हैं, आप खींचते क्या हैं, निर्भर इस पर करता है। और जो आप खींच करके जीवन को निर्माण कर रहे हैं, जीवन को बना रहे हैं, आप खुद बना रहे हैं। आपको और सरल ढंग से विचार बताऊं, आपके घर में थोड़ी सी जगह होगी ना कच्ची, जहां पर आप कुछ बो सकते हैं, या फिर न भी बो सकते तो गमला रख लीजिए, तीन बड़े बड़े गमले रख लीजिए, एक गमला में लगा दीजिए आप गन्ना, समझ रहे हैं, जमीन की टुकड़ा छोटी सी जमीन होगी, वहां पर एक गन्ना लगा दीजिए, उसी के बाजू में आप लगा दीजिए नींबू, उसके बाजू में लगा दीजिए मिर्चा, मिर्चा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, खाते नहीं होंगे शायद आप लोग, मैं समझा रहा हूँ, खाते हैं, ठीक है। वो मिर्चा तीनों लगा दिए, गन्ना लगा दिए, नींबू लगा दिए, मिर्चे लगा दिए, ठीक है, और तीनों तैयार हो गए, तीनों पौधे तैयार हो गए, ठीक है। अब उससे हम रस निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, रस। तो गन्ने से जब रस निकालेंगे तो कैसा रस होगा, हाँ, मीठा होगा। और नींबू से निकालना चाहेंगे तो कैसा रस निकलेगा, खट्टा। और मिर्चा से तीखा, तीखा रस। कहाँ से लिए वो सब तीनों रस, कहाँ से लिए, उसी जमीन से, समझ, उसी वातावरण से, उसी पानी से, जो चाह वो लिया कि नहीं लिया, आप क्या चाहते हैं। यदि आप तीता रस इकट्ठा किए होंगे ना, समझ रहे हैं, बहुत लोग तीता रस इकट्ठा किए हैं, क्योंकि जब दबाव आता है ना तो रस असली रूप से बाहर आता है। जो रस हमने इकट्ठा किया है वो बाहर कब आता है, और रस कैसे इकट्ठा होता है भी बता दूं। जो भी हम काम करते हैं ना, जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं, उसी का रस, एसेंस, उसी की सुगंधि यहां आकर के इस हृदय घट में इकट्ठा होता चला जाता है। अच्छा करेंगे वैसा रस, बुरा करेंगे वैसा रस, कुछ भी करते हैं आप, वो सब रस यहां आकर के इकट्ठा होता है। और वो कब बाहर निकलता है, एक साहब कह रहे थे, जो रहे करवा सो निकरे टोटी, सुने थे, जो रहे करवा सो निकरे टोटी, इसका मतलब है जब उसमें दबाव आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो रस बाहर टपकता है। इसलिए जो रस है ना, वो भरते समय ही सावधानी बरते। बात तो यहां पर मैंने शुरू की थी कि जो जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं, वैसा जीवन जीने के लिए पूरी व्यवस्था है, पूरी सृष्टि व्यवस्था कर रही है, पूरा समाज व्यवस्था कर रहा है, पूरा सबके सब व्यवस्था कर, घर वाले व्यवस्था कर रहे हैं, समाज के लोग व्यवस्था कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से व्यवस्था हो रही है, सब तरफ से व्यवस्था हो रही है। और मैंने कहा, दूसरी बात मैंने क्या कही, दूसरी बात है अवसर है। क्या आपके पास अवसर नहीं है जीवन सुधार का? सुबह सूर्य निकलता है और एक दिन हमको मिल जाता है, मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें, सुबह सूर्य निकलता है और एक दिन आपको मिल जाता है, इस दिन को आप जिए, उस दिन में आप परिवर्तन लाएं। रोज मिलता है ना, रोज आप ध्यान दीजिए, मिलता कि नहीं मिलता है, रोज जिस दिन आप सुबह नींद खुले और आपको पता चले कि मैं जिंदा हूं, जिस दिन आपको सुबह नींद खुले और पता चले मैं जिंदा हूं, तो आपको सबसे पहले आभार व्यक्त करिए, धन्यवाद दीजिए कि मैं आज जिंदा हूं। क्योंकि होगा क्या, होता क्या है जनरली, बहुत लोग, पूरे देश के लोग सोते हैं रात में, लेकिन सभी लोग उठ नहीं पाते हैं, वो हमेशा के लिए सो जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, हो जाते हैं, और मैं जिंदा हूं, एक अवसर, एक दिन मिल गया मुझे जीने के लिए। फिर आसपास के लोगों को देखो, घर वाले जिंदा है कि नहीं है, हाँ जिंदा है, बढ़िया, धन्यवाद, सही है, सबके लिए धन्यवाद दो। तो शुरू से जो मन में शिकायत होती है ना सुबह सुबह उठ करके, उनके लिए वो कम से कम विलीन होता चला जाएगा। थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भीतर में लाइए, मैं जिंदा हूं, धन्यवाद, चल रहा हूं, धन्यवाद,
नल में गए पानी मिला धन्यवाद, कुछ तो करो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, घर के लोग जिंदा आए धन्यवाद, भोजनालय में गए भोजन मिल गया धन्यवाद, कितनी बड़ी बात है, आप करो तो कुछ तो बदलाव लाओ। तो अंदर में जो शिकायत भरा है मन में, हर आदमी के अंदर में शिकायत रूपी जहर भरा है, जहर भरा है, मतलब क्या कहा जाए। कई बार देखो ना, मैंने क्या कहा, कभी कभी लोगों को दुखी होते देख करके लगता है, हंसी आती, क्यों दुखी हो रहे हो, जहां पर पूरी व्यवस्था है सुखी होने की, वहां पर दुखी क्यों हो रहे हैं आप, क्यों हो रहे हैं, अद्भुत है कि नहीं है। और हम सब यही गलती करते चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा पूरा अवसर है, और मैं क्या कहूं, दिन पूरा की बात छोड़ दीजिए, हर क्षण, हर क्षण, ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय आप अपने जीवन में बदलाव न ला सकें, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस समय आप सद्गुणों को भीतर में न ला सकें, ऐसा कोई समय नहीं है। एक भजन बहुत प्रसिद्ध, प्रसिद्ध तो जानते हैं साधु समाज में, हमारे बड़े गुरु भाई पूज्य श्री निर्बंध साहेब जी, उनकी एक पुस्तक भजन प्रवेशिका, उनमें पद है, उन्होंने क्या लिखा है, हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को, प्रातः शाम वो दोपहर सदगुण ही भरण को। कितनी बड़ी बात लिखते हैं वो, हर क्षण तुम्हें समय, ऐसा नहीं कहते सुबह शाम दोपहर, अरे नहीं, हर क्षण तुम्हें समय है, फिर गिना देते, प्रातः शाम वो दोपहर सदगुण ही भरण को। हृदय में सदगुणों को लाने के लिए हर समय खुला है, कोई भी गलत करने वाला आदमी को हमेशा एक विकल्प मौजूद रहता है, वो अपने जीवन में बदलाव ले आए। सिगरेट पीने वाला हो, गुटखा खाने वाला हो, शराब पीने वाला हो, जब जब वो सिगरेट पीता है, एक सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प उस समय मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, सिगरेट पीने के साथ साथ में सिगरेट न पीने का, सिगरेट न पीने का हर समय विकल्प मौजूद रहता है, गुटखा न खाने का, गाली न देने का, क्रोध न करने का, मतलब जो भी हमसे गलती हुई उसको न करने का अवसर हर समय रहता है। और दूसरे शब्दों में और इसको थोड़ा विस्तार देना चाहूं तो क्या कहूं, यदि हम गलत कर चुके हैं उस गलती को भी छोड़ सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए, यदि हम गलत कर सकते हैं तो हम गलती छोड़ सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है, मैं थोड़ा और बताऊं इसको। यदि आप लोग दुखी होते हैं ना, समझ रहे, दुखी होते हैं तो सुखी भी हो सकते हैं, समझ गए, ये कपड़ा दुखी नहीं हो सकता है, ये मकान दुखी नहीं हो सकता है, इसलिए सुखी भी नहीं हो सकता है, सही है। और बताऊं, आप लोग रो सकते हैं, रोते हैं कि नहीं रोते हैं, कौन अभागा आदमी नहीं रोया होगा आज तक, रोए ना, इधर ज्यादा रोते हैं इस साइड वाले, अरे अच्छा भी है, अच्छा इसलिए है कि रो करके अंदर जो इरिटेट होता है ना, फ्रस्ट्रेशन, वो सब निकाल देते हैं, और इसीलिए हार्ट अटैक प्रॉब्लम माताओं को कम होता है। इन लोग दबाते हैं, क्या कहते हैं, बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, तेरा दर्द न जाने, ये तमाशा है हम लोगों का, बाहर से खामोश और भीतर में रोए चले जा रहे हैं। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, बच्चा रोते रोते जन्म लेता है, शिकायत करते करते जीवन जीता है, और पछताते पछताते, सही है, ये दशा आने वाली है, पछताते पछताते, लेकिन आप एक अच्छा समापन कर सकते हैं, ये विषय कभी नहीं बोलूंगा, अच्छा समापन कैसे कर सकते हैं, अभी मेरा दूसरा सब्जेक्ट है। मैं क्या कह रहा हूं कि क्या कह रहा था, हाँ, सुखी हो सकते हैं तो बता ही रहा था, लेकिन आप, हम सब सुखी क्यों नहीं होते हैं, मैंने कहा पूरा अवसर, हाँ, हर क्षण तुम्हें समय है निजी स्थिति करण को, प्रातः शाम वो दोपहर सदगुण ही भरण को। यदि हमने गलती कर भी ली है ना, ध्यान दीजिए, गलती कर भी ली है ना, तो उस गलती को छोड़ सकते हैं, और गलती छोड़ने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है कि पढ़े लिखे हो, किसी पद की जरूरत नहीं है, किसी धन की जरूरत नहीं है। यदि आप अनपढ़ हैं, यदि आप गरीब हैं, तो भी आप अपनी गलतियां छोड़ सकते हैं। बिना पढ़े लिखे कोई बीड़ी पीना शुरू कर सकता है,
तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिना पढ़े लिखे कोई गाली देना सीख सकता है तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ भी सकता है। मतलब जिस काम को करने की ताकत आप में है, उस काम को न करने की भी ताकत आप में है। जिन कदमों से आप यहां तक आए हैं, उन्हीं कदमों से आप वापस जा भी सकते हैं। नहीं जा सकते हैं? कहीं हमको जाना हो रेलवे स्टेशन, हमें पता नहीं है रास्ता, बाइक उठा लिए चल दिए, अब जा रहे हैं रास्ते का, इस रास्ते से जाओ, फिर हम थोड़ा बाएं चल दिए, गलत ट्रैक पकड़ लिए, किसी ने पूछा मेरे रेलवे स्टेशन, अरे क्यों आ गए, मेरे रोड को छोड़ करके जाओ वापस, हम क्या करेंगे? फिर वापस आएंगे, सही है, फिर वापस आएंगे, क्योंकि लक्ष्य में पता है कि रेलवे स्टेशन जाना है। तो कहीं हम भटक भी गए, बाएं थोड़ा चले गए 2-4 किलोमीटर, दाहिने चले गए 2-4 किलोमीटर, हम वहां से फिर से वापस आएंगे और सही ट्रैक पकड़ करके अपने मंजिल में पहुंच जाएंगे, सही ट्रैक पकड़ के मंजिल में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हमसे गलतियां हुई है, ट्रैक बदल गया है, तो वापस आ जाओ, सही ट्रैक पर फिर से चलना शुरू कर दो। कौन बाधा है? किसने मना किया है ऐसा करने में? हम कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था अवसर है, हर समय नहीं हर क्षण अवसर है। तीसरी बात, तीसरा सूत्र है योग्यता है, योग्यता है। हर आदमी के अंदर वो पूरी योग्यता कूट कूट करके भरी हुई है कि वह अपने जीवन को मन चाहा जी सकता है, जैसा चाहे, वो योग्यता है। जो योग्यता बुद्ध के भीतर थी, महावीर के भीतर थी, कबीर के भीतर थी, एडिशन और आइंस्टीन के भीतर जो योग्यता थी, हर व्यक्ति के भीतर वही योग्यता है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं जानता हूं कि प्रकृति पक्षपात नहीं करती है, समझ रहे हैं ना? प्रकृति, अभी मैंने कहा तटस्थ है, वो पक्षपात नहीं करती है, वो तटस्थ है। मतलब ऐसा नहीं कि बुद्ध के लिए विशेष व्यवस्था उसने कर दी, आपके लिए व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था बुद्ध के लिए थी, कबीर के लिए थी, आपके लिए और हमारे लिए भी वही व्यवस्था है। बोलिए सदगुरु देव की। साहिब बंदगी, बैठिए। जो व्यवस्था प्रकृति की ओर से महापुरुषों की थी, को थी, वही व्यवस्था हम सबको उपलब्ध है। उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई कटौती नहीं है। फूल कोई तोड़ेगा ना? फूल लगाने वाला भी यदि फूल तोड़े ना तो भी सुगंधी, और फूल केवल तोड़ ले, यहां तक कि उसको पकड़ के हाथ में मसल दे, उसको भी सुगंधी। ध्यान दीजिए, वहां कोई तटस्थ, वहां कोई पक्षपात नहीं है। आप और हम हैं, जो वो चीज हम चाहते ही नहीं है। एक चीज बता दूं, हम नहीं चाहते कि हम सुखी जीवन जिए। ये आपको थोड़ी सी कड़वी लगेगी, सही बता रहा हूं, हम नहीं चाहते कि हम सुखी जीवन जिए, हम नहीं चाहते कि शांतिमय जीवन जिए, प्रेम पूर्ण जीवन जिए, नहीं चाहते हैं। और नहीं चाहने का परिणाम क्या होता है? मन में घृणा होती है, मन में द्वेष होता है, नफरत। किसी आदमी को देखेंगे ना तो मुंह ऐसे बितकाएंगे, क्या बताएं जाए, मुंह फुलाए रहते हैं, ऐसे ऐसे चेहरा बनाते हैं। देख लेना, बहुत लोग हैं आपके आसपास, नमूने बहुत हैं दुनिया में, आसपास ही देख लेना, नमूने बहुत हैं। मुस्कुराने वाले भी हैं और मुंह फुलाने वाले भी हैं, गुनगुनाने वाले भी हैं, गुनगुनाने वाले भी हैं, ये बहुत प्रकार के नमूने मिल जाएंगे। लेकिन आप हमेशा कहाँ जाना पसंद करेंगे, किनसे मिलना पसंद करेंगे? गुनगुनाने वाले के पास, मुस्कुरा। यही एक कोना हो जहां पर एक आदमी बैठा हो, भौहें तनी हो, आंखें लाल हो, एकदम क्रोधाभिभूत हो, बहुत तेज में हो, बहुत नाराज हो, सही है, और उनके मुंह से भी कड़वा निकल रहा, कटु शब्द निकल रहा है, और दूसरे कोने पर एक आदमी बस्त मुस्कुराता हुआ बैठा है, प्रेम पूर्ण बैठा है, सहयोग पूर्ण बैठा है, आनंदित है, जब बोलता है मधुर बोलता है, किसके पास जाना पसंद करेंगे? किसके पास जाना पसंद करेंगे? वैसे अपने ढंग के लोग पसंद करते भी हैं, अपने ढंग के लोग पसंद करते भी हैं। अब मैंने, हो सकता है कुछ लोग होंगे जो वहाँ जाना चाहेंगे दूसरे क्षेत्र में, लेकिन हम लोग प्रायः क्या साथ चाहेंगे? ऐसे आदमी के पास जाना चाहेंगे जो प्रेम पूर्ण है,
प्रसन्न है, मुस्कुरा रहा है, समझ रहे ना, ऐसी दशा है हमारी। खैर योग्यता के संबंध में ज़्यादा विस्तार नहीं किया, बाकी इतनी सी बात है हम सब में पर्याप्त योग्यता है। हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर के अंदर जो शक्तियाँ हैं, चाहे मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, जो भी शक्ति है वो सबके पास में पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। वैसे देखा जाए सबका शरीर समान, दो हाथ दो पैर दो आँख दो नाक दो किडनी, सब कुछ, लंग्स दो, सब कुछ बराबर है। और मैं इसको आज की भाषा में कहूँ, हार्डवेयर वाइज सब सब सेम है, अंतर कहाँ है, सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर है आपका विचार। बस ये यदि हम ठीक कर लेंगे तो जीवन में बदलाव आ जाएगा। बहुत हो गई आज, पूज्य साहेब जी, करखड़ी वाले साहेब जी की ओर से थोड़े से अनुमति के साथ साथ आदेश था, इसलिए अब भजन गायक हमारे बीच पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हो चुके हैं। हम साहेब जी के विचार सुने, इसके पूर्व एक भजन सुनते हैं भाई गुरशरण जी से।